मेरठ में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर हरिद्वार से राजस्थान जा रही विशाल कांवड़ के ऊपर संप्रदाय विशेष के दो युवकों ने थूक दिया। कांवड़ियों ने एक युवक को इसके बाद धर दबोचा जबकि दूसरा भाग निकला। थूकने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। युवक की पहचान संप्रदाय विशेष के युवक के रूप में हुई है। गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पुलिस चौकी में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर एसएसपी, एसपी ट्रैफिक और डीएम समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कांवड़ियों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया, मगर कांवड़िये सुनने को तैयार नहीं थे। बाद में जैसे तैसे कांवड़ियों को समझाया गया। राजस्थान में जिला भरतपुर के रहने वाले कांवड़ियों ने बताया कि वह पिछले दो महीने से विशाल कांवड़ को हरिद्वार से ले जाने की तैयारी कर रहे थे। 21 जुलाई की शाम को राजस्थान के 40 कांवड़ियों का जत्था कांवड़ को लेकर राजस्थान के लिए चला। राजस्थान के इन कांवड़ियों ने बताया कि कंकरखेड़ा हाईवे 58 पर चौकी के नजदीक पहुंचते ही दो युवक डिवाइडर से कूद कर आए और उनकी कांवड़ पर 3-4 जगह थूक दिया। इतना देख कांवड़ियों ने युवक को घेर लिया जिसमें एक युवक को धर दबोचा गया जबकि दूसरा भाग निकला। कांवड़ियों ने पकड़ में आए युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। आरोपी युवक को भीड़ से छुड़ाकर पुलिस अपने साथ ले गई। तभी भीड़ ने नारेबाजी करते हुए चौकी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। डीएम, एसएसपी समेत आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गुस्साए कांवड़ियों को शांत करने का प्रयास किया गया मगर कांवड़िये मानने को तैयार नहीं थे। कांवड़िये रास्ते में ही विशाल कांवड़ को खड़ी कर नारेबाजी करने लगे। इस बीच भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और अन्य भाजपा नेताओं ने गुस्साए कांवड़ियों को किसी तरह समझाकर शांत किया। लिखित में आश्वासन दिया कि जो पकड़ में आरोपित युवक आया है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जो आरोपित फरार है उसको भी धर दबोचा जाएगा। इसके बाद आखिरकार कांवड़िये मान गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।